हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइब्रिड पैरामीटर्स, या फिर इनको एच पैरामीटर्स भी बोलते हैं। तो इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला है इनपुट इम्पीडेंस। इसमें आप देखो, यहाँ पे हमने एच आई ई लिखा हुआ है, तो आई जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारा इनपुट, ये जो इनपुट है इनपुट वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ई मीन्स हम ये कॉमन एमिटर कॉन्फिग्रेशन के लिए कर रहे हैं, तो ई रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन एमिटर को। तो सबसे पहला इनपुट इम्पीडेंस, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ये रेशो है किस किस के बीच की, एमिटर बेस वोल्टेज की और बेस करंट की। क्लियर है? तो एच आई ई इज इक्वल टू चेंज इन एमिटर बेस वोल्टेज वी बी ई अपॉन चेंज इन बेस करंट डेल्टा आई बी, और साथ में कांस्टेंट रखना है हमें, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है। इम्पीडेंस है इसलिए मीन्स ये एक रेजिस्टेंस है, तो इसकी जो यूनिट होगी, इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है। इनपुट इम्पीडेंस की जो SI यूनिट है वो होती है ओम। उसके बाद हमारी सेकंड डेफिनेशन है रिवर्स वोल्टेज रेशो। रिवर्स वोल्टेज रेशियो यानी इसके अंदर वोल्टेज रेशियो है, तो यानी ऊपर इसमें डिनोमिनेटर में और न्यूमिरेटर में दोनों में क्या आएगी, वोल्टेज आ जाएगी। तो इसको डिनोट करते हैं हम एच आर ई, आर मीन्स रिवर्स और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है, तो ये हो जाएगी चेंज इन एमिटर बेस वोल्टेज डेल्टा वी बी ई अपॉन चेंज इन कलेक्टर एमिटर आउटपुट की वोल्टेज, इनपुट अपॉन आउटपुट की वोल्टेज। तो वी सी ई ये इनपुट की वोल्टेज है एमिटर बेस वोल्टेज, और ये आउटपुट की वोल्टेज है। यहाँ पे जो करंट है इनपुट का वो कांस्टेंट रखेंगे, आई बी इज कांस्टेंट। और यहाँ पे ये रेशो देखो, इसमें ये भी वोल्टेज है और ये भी, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, यूनिट लेस क्वांटिटी है, ना ही इसकी कोई डायमेंशन होगी। उसके बाद थर्ड थर्ड जो रेशो है हमारी वो है फॉरवर्ड करंट रेशो। तो फॉरवर्ड करंट रेशियो में हमें क्या करना है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट का करंट, एच एफ ई इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी व्हेन कलेक्टर एमिटर वोल्टेज इज कैप्ट कांस्टेंट। आउटपुट की वोल्टेज कांस्टेंट रखेंगे इसके अंदर, इसकी भी कोई डायमेंशन और यूनिट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे करंट है और यहाँ पे भी क्या है, करंट है। फोर्थ है आउटपुट एडमिटेंस। एच ओ ई इट इज द रेशियो बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल होती है ये, तो एच ओ ई इज इक्वल टू रेजिस्टेंस में ऊपर वोल्टेज आएगी नीचे करंट, तो इसके अंदर क्या आ जाएगी, ऊपर आएगा करंट आउटपुट का अपॉन इनपुट का, सॉरी आउटपुट का वोल्टेज वी सी ई कलेक्टर एमिटर वोल्टेज व्हेन इनपुट करंट आई बी इज कैप्ट कांस्टेंट। क्लियर? तो इसकी जो यूनिट होगी रेजिस्टेंस की जो रेसिप्रोकल होती है, यानी इसकी जो यूनिट होगी वो होगी साइमन। क्लियर है? इसकी जो यूनिट है वो साइमन होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है चार, इसको अच्छे से लर्न कर